बेस्ट फ्रेंड क्या है आज के मॉडर्न दौर को डिस्कस कर रहे हैं कि आज के मॉडर्न एज में बेस्ट फ्रेंड किसको बोलते हैं? वो बंदा जो आपकी जहनी हम आहंगी के करीब है, जिसके साथ आपका जहन मिलता है, आपके ख्याल मिलते हैं, आपकी सोच मिलती है, आपकी बातें मिलती है, देख ले वो आपका बेस्ट फ्रेंड। वो बंदा जिसके साथ आपकी जहनी अब आहंगी नहीं है, उसे आप बेस्ट फ्रेंड नहीं बनाओगे। बुरा बंदा है, बुरा बंदा ही उसका बेस्ट फ्रेंड होगा। अच्छा बंदा है, अच्छा बंदा ही उसका बेस्ट फ्रेंड होगा। ये बड़ा ही काम हुआ है, शाज़ो नादर ही हुआ होगा। एक बुरा बंदा है नमाजी प्रेजी, एक बंदा उसका दोस्त नहीं होगा। तो कहते हैं मैन इज नोन बाय हिज कंपनी, इंसान अपनी सोबत से पहचाना जाता है। और बेस्ट फ्रेंडिज्म जो है आजकल हमारे बड़ा आम हो गया मॉडर्नाइजेशन में, हर बंदा ही बेस्ट फ्रेंड है। और जिथे बैठे पंजाबी जी, जिथे बैठे जेड़ा उहदे नाल दी सोच वाला बंदा उहदा बेस्ट फ्रेंड है। कैसे ना नहीं होगा, दैट इज नॉट द ओरिजिनल क्राइटेरिया ऑफ योर पैटर्न। What is the pattern? Pattern of life, color of life. जिंदगी फूलों की सेज नहीं है, जिंदगी जो है वो कांटों की सेज है। मोमन के लिए कैद खाना है, तो काफिर के लिए जन्नत है। तो यहां कहां से आ गया ये कॉन्सेप्ट कि हर जगह पे हर दूसरे दिन ही आप प्लेयरेबल एक्टिविटीज और बेस्ट फ्रेंडिज्म में तुरे हुए हो? एक आधा ही होता है, वो भी जब होता है तो, लेकिन होगा वही जो आपकी जहनी सलाहियत के मुताबिक हो। गंदे बंदे का गंदा, अच्छे बंदे का अच्छा। मैं कुछ ज्यादा अच्छे लफ्ज इस्तेमाल किए। बाकी रही बात अच्छाई की, यकीन जाने चाहे आज का जमाना हो, चाहे कल का जमाना हो, चाहे आने वाला जमाना हो, इन सारे जमानों में जो नेक चीज है, जो नेक नीति है, जो अच्छा बंदा है, वो अच्छा ही बंदा है। और अच्छाई का बस सबसे बड़ा जो मरकज है वो दीन है। अच्छाई का सबसे बड़ा मरकज है वो आपकी मोहब्बत है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कुरान से। कुरान पढ़े, कुरान की आयात का तर्जमा और तफसीर करें। मैं हम बात करते हैं कि रमजान मुबारक में हमारे ऊपर लेक्चर होते हैं। आजकल तो ऑफ जा रहे हैं, कोरोना वायरस की वजह से छुट्टियां हैं, तो रमजान में हर जुमे के जुमे हम लोग ना लेक्चर अटेंड करते हैं जिसमें तफसीर कुरान और तर्जमा होता है। ये चीज बड़ी तोड़ की गई है। कुरान से मोहब्बत रखने वाला बच्चा, कुरान को पढ़ने वाला बच्चा, वो बड़ी ही चाहत के साथ क्लास अटेंड करेगा। और कुरान से दूर भागने वाला बच्चा जो होगा, और उस जैसे ही जो बच्चे होंगे सारा ग्रुप लेता होगा, वो नहीं अटेंड करेगा। तो जहनी सलाहियत जहां मिलती है वही दोस्ती होती है। और वो जो अच्छे लोग होते हैं वो अच्छे लोग ही होते हैं। पंजाबी का एक हमारे यहाँ अमूमन गलियों बाजारों में शेर नहीं, ये रेहड़ी पे चीजें बेचने वाले बोलते हैं, कहते वारिस शाह सदा ही जीवते हैं। वारिस शाह और सदा ही जीवते हैं, जिन्हें नेक कीतियां नेक कमाइयां, जिन्हें कीतियां नेक कमाइयां, तो वो तो जिंदा रहते हैं हमेशा। आप जो मर्जी कर लें, जहां मर्जी चले जाए, लाइफ का जो पैटर्न है, जो मैंने पहले भी डिस्कस किया, जो कलर ऑफ पैटर्न है लाइफ का, वही है, वो एक ही है जो दीन ने आपको सेट करके दे दिया। अब आप उसे कैसे गुजारते हो, आप मॉडर्नाइजेशन में आके क्या क्या करते हो, वो आपका एक सो कॉल्ड परसेप्शन है, आपकी धोखा एक आपका। वो जिस तरह की मर्जी लाइफ गुजार सकते हैं, इस पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन असलियत वही है।
जो आपको दे दी गई है बना के संवार के मुकम्मल करके उसके अंदर रह के जिंदगी गुजारना ही होती है। वो यही मैं अमूमन यही बच्चों से ही बात करता हूँ कि यही फ्रेंडशिप है। हमारे यहाँ नाल पड़ी जाती है चंगिया चंगिया नाल लिया चंगिया चंगिया नाल लालो यारिया चंगिया चंगिया नाल लालो यारिया चंगिया बिच सिफतान नजर दो आदियां चंगिया बिच सिफतान नजर दो आदियां केड़िया सिफतां तो नजर आ रही सूरत चंगिया ते शकलां प्यारियां चंगिया बिच सिफतान नजर दो आदियां सूरत चंगिया ते शकलां प्यारियां काम भी चंगे होंगे ने शकलां भी प्यारियां होंगे बाकी जिंदगी से गुजार जानी है सपने गुजार जानी है। तो बात यही क्या रहे थे फ्रेंडशिप के ऊपर बात चल रही थी किताबों से दोस्ती मिल जाए हदीस की किताबों से कुरान से दोस्ती मिल जाए रसूल सल्लम के ओरिजिनल फॉलोअर बने। तो रमज़ान करीम के प्रोग्राम के हवाले से बात कर रहे थे कि रमज़ान करीम के प्रोग्राम को अटेंड तो नहीं कर सकते क्लास वाइज जाके उसका यही आलम ने निकाला है कि जी आपको ऑनलाइन ही होगी गुफ्तगू आपके साथ हो जाया करेगी आप अपने कमेंट्स वगैरह वो भेज दिया करें जिस तरह के टॉपिक्स में आपको मसले होंगे मसाइल होंगे उसी तरह की हम मेलिंग कर लेंगे तो इसके ऊपर हम बकायदा लेक्चर आपको दे देंगे।